राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो भक्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूं अपने लड्डू गोपाल जी की विंटर ड्रेस, जो कि मैंने निकाल ली है। अब ठंड पड़ चुकी है तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की ड्रेस निकाल ली है, वही आपको दिखाऊंगी। और पहनाने से पहले हमें क्या करना है ड्रेस का, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। जब रखी रहती है ड्रेस, जब निकालते हैं उसके बाद हमें डायरेक्ट एकदम नहीं पहनानी चाहिए ड्रेस, क्योंकि रखी रहती है काफी 6-7 महीने रखी रहती है पैक हुई, तो एकदम से लड्डू गोपाल जी को वाली ड्रेस नहीं पहनानी चाहिए। तो चलते हैं फिर वीडियो आगे की स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ड्रेस भी दिखाऊंगी और बताऊंगी भी कि लड्डू गोपाल जी को आप ड्रेस कैसे पहनाएं, जब आप निकालेंगे ड्रेस तो आपको कैसे पहनानी है। तो ये है लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। एक तो ये मेरे कृष्णा की ड्रेस है और आप ये देख सकते हैं, मैंने कैप इसी में, वैसे तो मैं अटैच करवा लेती हूँ तो इसकी अलग से कैप बनी हुई है, इसमें अटैच नहीं है, तो मैंने इसमें पिन लगा दी थी ताकि मेरे को इजीली मिल जाए जब मैं लड्डू गोपाल जी को पहनाऊं। तो मैं पहले आपको दिखाती हूँ अपने कृष्णा की और राधिका की, दोनों की ड्रेस दिखाऊंगी, क्योंकि सबकी दिखाऊंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो कृष्णा की और राधिका की, इसमें मैं ड्रेस कलेक्शन दिखाऊंगी और बताऊंगी कि हमें कैसे पहनानी है लड्डू गोपाल जी को ड्रेस, जब आप निकालेंगे रखी हुई ड्रेस। तो एक तो ये ड्रेस है मेरे कृष्णा की जो मैंने आपको दिखाई, और भक्तों मैंने ना ऐसी पन्नियों में पैक करके ड्रेस रखी हुई थी मैंने, ताकि धूल मिट्टी भी ना जाए। तो हमें करना है, जैसे जब हम ड्रेस निकालेंगे अपने लड्डू गोपाल जी की, तो सबसे पहले हम इनको धूप दिखाएंगे। वैसे मैंने ये धो के रखी हुई हैं, जब मैं इनको उठा के रखती हूँ, सर्दियां जब खत्म होने लगती है जब उठा के रखती हूँ, तो मैं इनको वॉश करके ही रखती हूँ। इजी जो आता है, इजी आता है, उसमें वॉश करके रखती हूँ। और पन्नियों में जब पैक करके रख देते हैं तो धूल तो आती ही नहीं है। तो हमें करना है, जब हम लड्डू गोपाल जी की ड्रेस निकालेंगे तो ये सारी ड्रेसों को हमें धूप दिखानी होती है, क्योंकि रखी रहती है थोड़ी बहुत स्मेल वगैरह हो जाती है। तो लड्डू गोपाल जी की जो ड्रेस है वो आप धूप जरूर लगाएं, और उसके बाद कपड़ों में इत्र भी जरूर लगाएं। और ये है हमारे कृष्णा और राधिका का ये जम सूट है, तो आप ये देख सकते हैं कि अलग से जो पजामे है और इसके अंदर की ये है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। पहले हम ये पहनाएंगे और फिर ऊपर से ये आएगी, हाँ इस तरीके से आएगा। ये जम सूट है, ये बटन दिए हुए लगवाए मैंने, इसमें चिट बटन लगवाए हैं, तो ये इस तरीके से ये ड्रेस आ जाएगी। तो काफी क्यूट सी ड्रेस है ये, तो मेरे को फ्रॉकों से ज्यादा ये वाली ड्रेसें ज्यादा पसंद आती हैं, जैसे धोती कुर्ता हो गया, जम सूट हो गया, कार्डिगन वगैरह हो गए। तो ये है हमारी कृष्णा की, और सेम ही ये है राधिका की, तो वो थोड़ी बड़ी है कृष्णा की है और ये राधिका की है। और छोटे वाले लड्डू गोपाल जी की भी है, वो मैंने एक साथ ही रखा हुआ है ताकि मेरे को ना ढूंढने में परेशानी ना हो। तो ये सेट मैंने पूरा एक ही उसमें रखा हुआ था। तो ये लड्डू गोपाल जी की है ये वाली ड्रेस, और साथ में उनका ये मुकुट है प्यारा सा सुंदर सा, तो आप ये देख सकते हो। तो ये है मुकुट, और ये है केशवी की, तो ये चारों की सेम ही है, और केशवी की ये वाली पॉम्पम वाली कैप है छोटी सी। और ये है हैट जो कि कृष्णा की है और राधिका की, तो ये है राधिका की पॉम्पम वाली, और ये है हमारे कृष्णा की हैट है। ये है मुकुट जो मैंने आपको दिखाया, काफी क्यूट सा है। अब मैं दिखाती हूँ लड्डू गोपाल जी की जो मैंने धोती बनवा रखी है ना, वो दिखाती हूँ, इनको मैं पीछे कर देती हूँ और अब मैं दिखाऊंगी आपको धोती। तो ये लड्डू गोपाल जी की जैकेट है, ये जैकेट है, और ये है धोती।
काफी सुंदर धोती है, और इसके साथ भी मैंने ना मुकुट बनवा रखा है वूलन वाला ही। तो ये है लड्डू गोपाल जी की धोती, और ये है आप देख सकते हो ये मुकुट है बड़े वाले लड्डू गोपाल का, कृष्णा का। तो इसमें मैं बड़े वाले लड्डू गोपाल जी की और राधिका की ड्रेस दिखा रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, वीडियो नहीं तो काफी लंबी हो जाएगी। और ये है पटका, इसके साथ मैंने पटका भी बनवाया था ड्रेस के साथ। और ये है हमारी राधिका की कैप, जो कि ये छोटी वाली है, काफी सुंदर लगती है। तो अब ये डेली पहना करेंगे जब श्रृंगार दर्शन में कराऊंगी आपको। और ड्रेस है इनकी ये वाली, फ्रॉक वाली ड्रेस है, और डिजाइन मैंने ये डलवाया हुआ है, काफी सुंदर डिजाइन है। और ये पजामी जो मैंने अभी ड्रेस दिखाई ना आपको, ये उसके साथ की पजामी है, जैसे लड्डू गोपाल जी को ठंडा लगे नीचे पजामी पहनानी हो तो ये पजामी भी बनवाई। और अब मैं दिखाती हूँ फ्रॉक वाली ड्रेसे, कुछ मैंने वेलवेट की बनवा रखी है, कुछ फ्रॉक वाली बनवा रखी है, और हर सर्दियों में न्यू बनती ही है। तो अभी मैं ऊन भी ला के रखी हुई है, देखते हैं कौन से डिजाइन की बनवाएंगे हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी। एक ये है पिंक और ब्लू कलर की ड्रेस है, और इसके साथ है ये मुकुट। तो मुकुट काफी सुंदर लगते हैं, या तो मैं कैप बनवा लेती हूँ या फिर मुकुट बनवा लेती हूँ। तो ये इस ड्रेस के साथ का मुकुट है, और ये है हमारी राधिका की ड्रेस। और ये इसमें ना मैंने उल्टी दिखा रही थी आपको, ये इसके साथ कैप है, जैसे कि मैंने बताया मैं अटैच कर देती हूँ, नहीं तो खू जाती है, अलग से कैप रखो छोटी छोटी चीजें। तो ये है कैप राधिका की। और एक ड्रेस मैं दिखाती हूँ आपको, ये ड्रेस है, तो इसमें दोनों की अटैच है कैप, हमारी राधिका की भी और कृष्णा की भी। ये कृष्णा की है, ये बड़ा साइज है, और ये है हैट। तो ये देख सकते हैं इसमें हैट है, ये फ्रिल वाली जो हैट होती है ना वाली हैट है ये। और ये है हमारी राधिका की, तो ये भी हैट ही है, दोनों हैट है इसमें। अब मैं दिखाती हूँ आपको वेलवेट की ड्रेस, जो कि हमारे कृष्णा की और राधिका की। इसमें शायद कलर अलग अलग है, ये सारी ना वेलवेट की जो है ये राधिका की है ये, क्योंकि हमारी राधिका कृष्णा पहले आए थे, राधिका बाद में आई थी। तो उनकी ड्रेसे है हमारे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी की। तो ये एक ही पोलोथीन में रखी थी राधिका की, तो मैं आपको यही वाली दिखा रही हूँ। एक तो ये मर्जेंटा है, और एक ये ग्रीन वाली मैंने आपको दिखाई दी है, और एक और है पर्पल कलर की, ये राधिका की है। तो ये तीनों वेलवेट वाली राधिका की है, और ये शॉल है इसके साथ, जो कि मैंने आपको कल वीडियो में दिखाए भी थे कि शॉल मैंने बनवाए हुए हैं जितनी भी वेलवेट वाली ड्रेस हैं उनके। और ये है एक हमारे कृष्णा की ड्रेस, तब तक राधिका आई नहीं थी तब ये ड्रेस बनवाई थी, ये हमारे कृष्णा की वूलन की फर्स्ट ड्रेस है जो बनवाई थी। तो अब की बार इस कलर की शायद मैं राधिका की बनवाऊं, क्योंकि राधिका पे अभी वूलन वाली वाली ड्रेस है नहीं, तो शायद ये वाली ड्रेस में बनवाऊं या फिर वेलवेट में बनवाऊंगी। और एक ये धोती, ये है कृष्णा की, और ऊपर की ये काचनी भी जो होती है ना बांधते हम, जैसे धोती के ऊपर बांधते हैं ये फ्रॉक, ये कृष्णा की है, और ये ऊपर की हो गई चोली, और साथ में है ये पटका। तो ये ब्लैक कलर की ड्रेस बनवाई थी मैंने, और ये है हमारी राधिका का लहंगा है ये। तो आप देख सकते हो कितना क्यूट है लहंगा, तो ये राधिका का लहंगा है, और ये हो गया शॉल राधा रानी का, ये शॉल है, और ये हो गई चोली। तो ये शॉल और चोली ये राधा रानी की है। तो ये पूरा सेट है दोनों का, मेरे पास ये युगल सरकार का भी सेट है ये वाला। तो गाइस अभी मैं यही वाली ड्रेसे दिखाऊंगी, और ड्रेसे मैं दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी। अब इस वाली वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, तो इस वाली वीडियो का यहीं पे एंड करूंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, ड्रेस पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।
राधे राधे जय श्री कृष्णा। और मैंने वीडियो में बता ही दिया कि ड्रेस हम जब निकालेंगे तो हमें कैसे पहनानी है। आप धूप में सुखा सकते हैं, अगर धुली हुई नहीं है तो उनको वॉश करके लड्डू गोपाल जी को तभी पहनाएं, और चाहे तो आप गंगा जल की छींटे भी दे सकते हैं। तो मैं इनको धूप में सुखाऊंगी, उसके बाद ही लड्डू गोपाल जी को पहनाऊंगी, और इत्र भी जरूर लगाऊंगी क्योंकि रखे रखे थोड़ी स्मेल हो ही जाती है। राधे राधे।